तो एक फर्स्ट लुक लीक हो जाने के बाद ही सही शमशेरा का टीजर तो आया एटलीस्ट। ये मूवी ब्रह्मास्त्र के पीछे कहीं खोस ही गई थी, या फिर कह लो यशराज फिल्म्स की मार्केटिंग ही थोड़ी सी वियर्ड है। इन्होंने अच्छी मूवीज को ढंग से प्रमोट ही नहीं किया, एक्चुअली में प्रमोट ही नहीं किया, ढंग से क्या बात है। मूवीज के ट्रेलर रिलीज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले आ जाते हैं, थिएट्रिकल रिलीज से मूवी कब उतर जाती है पता भी नहीं चलता। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फोकस ब्रह्मास्त्र और स्पाई यूनिवर्स के ऊपर ही लगा रखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है 1 महीने का और अभी भी ट्रेलर नहीं निकाला है, टीजर ही निकाला है, ट्रेलर 2 दिन बाद आएगा। वही मार्वल जैसी स्ट्रेटेजी है कि पहले कुछ फर्स्ट लुक लीक हो जाएंगे, उसके बाद टीजर आ जाएगा, उसके बाद उस टीजर में ट्रेलर की अनाउंसमेंट हो जाएगी। खैर इस मार्केटिंग से मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस इसी चीज से है कि टीजर की जरूरत ही क्या थी जब ट्रेलर 2 दिन बाद ही आ रहा था। मोशन पोस्टर निकाल के भी काम चल सकता था वैसे तो, लेकिन चलो खैर अपने के लिए शिकवे दूर रखते हैं थोड़ी देर के लिए और बात करते हैं टीजर की। तो टीजर वही अपना कॉलोनाइजेशन की कहानी दिखाता है, कैरेक्टर अपने ग्रेटर देन लाइफ होने वाले हैं, अपन चाहे अपने विलन की बात कर लें या अपन चाहे अपने हीरो की बात कर लें। और सही भी है, हर मूवी में थोड़ी ना हर कोई सोशल मैसेजेस देखने जाता है या फिर हीरोपंती जैसा क्रिंज हर मूवी में नहीं चलता। आपको अगर ऑडियंस को थिएटर तक बुलाना है तो थिएटर एक्सपीरियंस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये चीज़ देख के भी अच्छा लग रहा है कि अब पैन इंडिया रिलीज़ में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, चाहे आप ब्रह्मास्त्र की बात कर लो या आप शमशेरा की बात कर लो या आप आने वाली शाहरुख खान की जवान की बात कर लो, ये पैन इंडियन रिलीज़ होने वाली है। तो बैक टू द टीज़र, अब टीज़र थोड़ा खाली खाली सा लगा, मतलब फ्रेम में ना कैरेक्टर्स की थोड़ी कमी सी लग रही है और ऐसी मूवीज़ में ऐसा अक्सर होता नहीं है। खैर जो भी है, इसमें शायद ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाहते थे, अब हमको जो भी दिखेगा वो ट्रेलर में ही दिखेगा। इसमें ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, कैरेक्टर्स के भी लुक क्लियरली नहीं दिखाए गए हैं, कोई मनी शॉट नहीं है टीज़र में। कहानी थोड़ी बहुत वैसे ही लगती है कि अपने कस्बे को बचाने के लिए रणबीर कपूर का कैरेक्टर आएगा अपनी पूरी फौज को लेकर, और विलन भी कोई छोटा मोटा लग नहीं रहा है, भारी राइवलरी होने वाली है क्योंकि संजय दत्त प्ले कर रहे हैं, तो समझ जाओ थोड़े बड़े लेवल का ही प्लेयर आने वाला है। और जितना मैं चाहता हूँ ना सेट डिज़ाइन जो हमको दिखाया जाएगा वो CGI से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो ज़्यादा सही है, तभी मज़ा आएगा। मतलब CGI हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ी बहुत रखनी पड़ेगी। बाकी की डिटेल्स को ट्रेलर में पता चलेगी, कहानी क्या है, विलन्स कौन है, हीरो कौन है, क्या पता शमशेरा कोई एंटी हीरो निकले, कितने ज़्यादा और कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि अपने को वाणी कपूर भी अब तक दिखाई नहीं गई है। 24 जून को ट्रेलर आ रहा है, तब तक का इंतज़ार रहेगा। और बस ये वीडियो यहाँ तक ही, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर के हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।